हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग पता है, ओ लेवल गुरुजी चैनल पर आप लोग की लगातार तैयारी करवाई जा रही है आप लोग की थ्योरी एग्जाम को लेकर। आज आप लोगों की भारी डिमांड पर संडे स्पेशल में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मैराथन क्लास। M4R5 की काफी डिमांड आ रही थी सर, M4R5 की मैराथन क्लास लाइए। ये वाली मैराथन क्लास हमारी लगभग 2 से 3 भागों में होगी। आज हम लोग यहाँ पर 150 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 150 MCQ यहाँ पर देखने वाले। तो जो लोग भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करिए। इसके अलावा पाइथन की हम आप लोगों को मैराथन क्लास ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसमें हमने लगभग आपको 300 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से देख लीजिए, एक पाइथन की और मैराथन क्लास आने वाली है 300 क्वेश्चन की। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन वही आएंगे जो हम आप लोगों को यहाँ पर करवा रहे हैं। आज भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने दोपहर में मेरी वीडियो नहीं देखी, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड की हुई थी, जो काफी स्टूडेंट की कंफ्यूजिंग थी, वो हमने खत्म कर दी है। जिनके भी ओ लेवल के कॉलेज के एग्जाम और ओ लेवल के एग्जाम साथ में हो रहे हैं, वो लोग अब क्या करें, तो वो कंफ्यूजिंग हमने आपकी दूर कर दी। इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज मैंने दोपहर में, आई थिंक मैंने मॉर्निंग में अपलोड की हुई थी, 11 बजे मैंने अपलोड की हुई थी। तो जरूर इस क्लास को भी आप लोगों को देखना है। ओके, तो इस क्लास के बाद उस क्लास को भी देख लीजिएगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट के ओ लेवल के एग्जाम और आप लोग के यहाँ पर ये जो एग्जाम है, ओ लेवल और कॉलेज के दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, तो काफी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम छोड़ देंगे एग्जाम। तो एक सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया है, आप लोग उसको जरूर देखिए। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए चलते अपनी क्लास की तरफ। आज हम लोग यहाँ पे 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। लगभग हमारी 1 घंटे की क्लास होगी, क्योंकि हम अपनी क्लासेस का टाइमिंग लगभग 1 घंटे ही रखते हैं। इससे ज्यादा बड़ी करने का कोई मतलब नहीं होता है। काफी जगह मैंने देखा है, काफी बड़ी बड़ी क्लासे अपलोड कर देते हैं, सब कुछ ऊपर से निकल जाता है स्टूडेंट्स के। इसलिए हम एक प्रॉपर टाइम सेट करके रखते हैं, 50 से 60 मिनट के बीच में हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पूछ रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। अब देखिए, इसमें कोई ऐसा भी नहीं दिख रहा आपको कि फुल फॉर्म पूछा जा रहा हो IoT का। यहाँ सीधा सीधा पूछ रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है। तो क्या होगा, अ सिस्टम दैट कनेक्ट ऑल टाइप ऑफ डिवाइसेस टू द इंटरनेट। ठीक है, जो कि सभी डिवाइस को किससे कनेक्ट करें, इंटरनेट से। तो पहला आंसर रहेगा आपका ये वाला, बिल्कुल सही। ओके, तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से पहले लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाकी आप लोग को अभी मैं थोड़ी देर में एक चीज और बता देने वाला हूँ, आपको MCQs वगैरह कहाँ से मिलेंगे, तो वीडियो पर बिल्कुल बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ IoT, IoT का मेन पर्पस क्या होता है। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, जैसे बहुत सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं, कंट्रोल करना एप्लायंस को, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम द कनेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ IoT डिवाइस। इनमें से कौन IoT डिवाइस का एग्जांपल है, तो आप लोग समझ गए होंगे, IoT डिवाइस मतलब फिटनेस ट्रैकर इसका एग्जांपल है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बताता हूँ, बाकी ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। और ये वाले MCQs के आप लोग चाहें तो हमसे PDF वगैरह परचेस कर सकते हैं, काफी शानदार डिस्काउंट के साथ PDF मिल जाएगी। आप लोगों को WhatsApp ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में दिख रही हो, सबसे पहले तो हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ आप ज्वाइन करने के बाद अगर आपको कुछ भी कोई भी कॉन्टेंट चाहिए हो, WhatsApp ग्रुप से आप लोग वहां से ले सकते हैं। अगर आपको PDF वगैरह परचेस करनी हो किसी की भी, M1, M2, M3, M4 सभी की हमारे पास आपको PDF मिल जाएगी। काफी शानदार PDF हमारी तैयार हो चुकी है, तो आप लोग फायदा उठाइए। पाइथन के 1000 क्वेश्चन अगर आपको लेना है MCQ, तो उसका प्राइस बड़ा डिस्काउंट रखा गया है हमारी तरफ से, 150 रुपए में, 150 रुपए में आप लोग को 1000+ MCQ हमारी तरफ से दिए जा रहे हैं। तो आप लोग ऑफर का फायदा जरूर उठाइए। नेक्स्ट है, विच वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कॉमनली यूज इन IoT डिवाइसेज। तो सबसे ज्यादा कॉमन प्रोटोकॉल क्या है यहाँ पे, जहाँ पे कॉमनली प्रोटोकॉल यूज इन IoT डिवाइसेज, तो इसमें आपका आंसर आएगा ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंसर इन IoT, व्हाट इज द सेंसर इन IoT, IoT में सेंसर क्या होते हैं। तो सेंसर काम क्या करते हैं अपना, ये डिवाइस होते हैं दैट कन्वर्ट फिजिकल और एनवायरमेंटल पैरामीटर इनटू द डिजिटल सिग्नल। ठीक है, जो कि कलेक्ट करते हैं, सीधी सी बात है, जो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं अपने चारों तरफ के डेटा को। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ गेटवे इन IoT, IoT में गेटवे क्या है ये पूछा जा रहा है। तो IoT में जो गेटवे होते हैं क्या होते हैं, डिवाइस होते हैं जो कनेक्ट करते हैं IoT को इंटरनेट से। तो क्या लिखेंगे, आर डिवाइसेस दैट कनेक्ट IoT डिवाइसेस टू द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ IoT हेल्थ केयर। IoT हेल्थ केयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो वो होता है रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह पे दूसरे जगह पे भी अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट है तो हम लोग उसको मॉनिटर कर सकते हैं। आजकल इस तरह के डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्मार्ट होम इन IoT, IoT में स्मार्ट होम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो क्या आंसर रहेगा, अ होम दैट इज इक्विप्ड विद IoT एंड सिस्टम। ठीक है, ये आपका होगा IoT होम्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ IoT एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में क्या होगा सबसे बेस्ट है, तो होगा आपका स्मार्ट इरीगेशन सिस्टम। इसमें आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज एज कंप्यूटिंग इन IoT, IoT में एज कंप्यूटिंग क्या होता है। तो ये क्या होती है, प्रोसेस होती है, क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा एट द सोर्स ऑफ जनरेशन रादर देन सेंडिंग
इट टू द सेंट्रल लोकेशन। तो ये आंसर आपका रहेगा यहाँ पे बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ आईओटी। आईओटी का डिसएडवांटेज क्या है? तो आईओटी का डिसएडवांटेज क्या है? इनक्रीज इफिशियंसी प्रोडक्टिविटी, ये तो एडवांटेज हो गया, सेकंड वाला भी एडवांटेज होगा। तो डिसएडवांटेज क्या है? एक तो प्राइवेसी, दूसरा सिक्योरिटी कंसर्न, ये इसका डिसएडवांटेज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आईओटी एप्लीकेशन इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में पूछ रहा है आईओटी एप्लीकेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो वो क्या कहलाता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए? ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो गया, या फिर जीपीएस नेविगेशन हो गया, ऑटोमेटिव हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जीपीएस हमारा इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा, क्योंकि हम लोग ट्रैक कर लेते हैं, अपने कोई भी प्रोडक्ट वगैरह मंगाते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैक वगैरह आसानी से कर सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका? जीपीएस नेविगेशन सिस्टम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आईओटी एप्लीकेशन इन रिटेल। रिटेल में पूछ रहा है आईओटी एप्लीकेशन, रिटेल में क्या इसका हमारे यहाँ पे एग्जांपल है रिटेल में। तो रिटेल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल रहेगा आपका इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसका एग्जांपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आईओटी एप्लीकेशन इन एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट में क्या रहेगा इसका? स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन आईओटी। आईओटी में क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या रोल है? तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग का रोल होता है वो क्या होता है? डेटा को स्टोर करना, टू स्टोर डेटा एंड प्रोसेस डेटा कलेक्टेड बाय आईओटी डिवाइसेस, ये इसका रोल होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आईओटी एप्लीकेशन इन होम। ठीक है, इन होम ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन में क्या रहेगा इसमें? स्मार्ट लाइट सिस्टम इसका आपका एग्जाम्पल रहेगा, बाकी तो ग्रोसरी वगैरह का तो कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है, Which of the following is an example of IoT application in environmental monitoring? ठीक है, environmental monitoring के लिए इसका आपका example क्या रहेगा? तो environment की बात हो रही है तो मतलब होता है प्रदूषण से related, तो अपन लोग क्या रहेगा इसका advantage? Air quality monitoring। तो answer रहेगा air quality monitoring, बिल्कुल सही। I hope आपको clear समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं था सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ओके, तो आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने कितने क्वेश्चंस अभी तक अपने कंप्लीट कर लिए हैं? हमने 17 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि बहुत ही शानदार शानदार क्लासेस आप लोग अभी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली है। अभी तो शुरुआत है हमारी क्लासेस की भी, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्लासेस आपको मिलने वाली है। और अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ मशीन लर्निंग इन आईओटी। आईओटी में मशीन लर्निंग का क्या रोल है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आईओटी में जो मशीन लर्निंग होगा उसका क्या रोल होता है? टू एनालाइज एंड मेक प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन आईओटी डेटा। देखिए क्या होता है, अगर आपने मशीन लर्निंग को नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग वॉपिंग करते टाइम पे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि अगर आप कभी कभी क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट खरीदते नहीं है, या फिर प्रोडक्ट से कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड आप लोगों को वहां पर क्या हो जाता है, नोटिफिकेशन वगैरह आने लगते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीद रहे हैं, आपको उस कंपनी का पसंद नहीं है, तो अलग अलग कंपनी का प्रोडक्ट आपके सामने वहां पर डिस्प्ले होने लगते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब प्रेडिक्शन होते हैं। मतलब कि मशीन लर्निंग क्या का कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, ये लर्न करके बता देता है कि किस मशीन के द्वारा क्या सर्च करके बताया जा रहा है। तो ये पूरी क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, तो उसके द्वारा यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बोले टू एनालाइज एंड प्रेडिक्ट प्रेडिक्शन बेस्ड डेटा। मैंने जब क्लासेस कराई थी मैंने बहुत डिटेल में ये सब चीजें एक्सप्लेन की है, तो आप लोग जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आईओटी एप्लीकेशन इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्या इसमें हमारा एडवांटेज है? वो था हमारा शिपिंग एंड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आईओटी एप्लीकेशन इन स्पोर्ट। स्पोर्ट में आईओटी एप्लीकेशन का क्या एडवांटेज है? तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वियरेबल फिटनेस ट्रैकर। ये हमारे स्पोर्ट में इसका क्या है, एडवांटेज होगा। ओके, तो ये आप लोग को मैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि अगर आउट ऑफ द सिलेबस भी आएंगे तो भी आप लोग आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट आइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आईओटी एप्लीकेशन इन स्मार्ट सिटीज। अब स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, तो स्मार्ट सिटीज मतलब यहाँ पे हमें क्या है, गंदगी से बचाना अपनी सिटी को, तो होता है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लॉकचेन इन आईओटी। आईओटी में ब्लॉकचेन का क्या रोल होता है? तो जो ब्लॉकचेन का रोल होता है वो करता है सिक्योर ऑथेंटिकेट आईओटी डेटा ट्रांजेक्शन। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, M1 का टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी बताया था, सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द आईओटी एप्लीकेशन इन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। ठीक है, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में क्या इसका एडवांटेज है ये पूछ रहे हैं। तो जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिव डायग्नोस्टिक टूल, ये इसका इसमें एडवांटेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आईओटी एप्लीकेशन इन
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अब बात कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो आपका एडवांटेज है या फिर जो इसका एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल है, वो क्या होगा आपका यहाँ पे, रूम टेम्परेचर कंट्रोल। जैसे लिखा हुआ हॉस्पिटैलिटी में, तो आएगा रूम टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, इसका आपका एडवांटेज होता है। ओके, तो आई होप एग्जाम्पल होता है, आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईओटी एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। अब बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की, तो उसमें होता है आपका ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, आपका इसका एडवांटेज एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईओटी इन द फाइनेंसेस। ठीक है, फाइनेंस में इसका क्या फायदा है, तो जो फाइनेंस में इसका फायदा है वो आपको पता है क्या होता है, ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म, इसका आपका फाइनेंस में क्या होता है, फायदा होगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या करें, इस वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, इससे सभी लोग क्या करें, बेनिफिट्स ले सके। और हमारे बैचेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं, ऐसा नहीं हम लोग कोई चार्ज वगैरह नहीं लेते हैं और यूट्यूब चैनलों की तरह। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आईओटी एप्लीकेशन इन रियल एस्टेट। अब बात करें रियल एस्टेट में क्या है, तो रियल एस्टेट में क्या होगा आपका, स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम आपका रियल एस्टेट में इसका एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईओटी एप्लीकेशन इन एजुकेशन। एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन में क्या रहेगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इसका आपका एप्लीकेशन का क्या रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ एन आईओटी एप्लीकेशन इन गेम। ठीक है, तो बताइए जरा गेम से रिलेटेड, तो गेम में क्या होगा आपका, वर्चुअल रियलिटी गेम सिस्टम। वर्चुअल रियलिटी मतलब कि जैसे कि हमें ऐसा लगेगा कि उस गेम के अंदर हम लोग खुद ही हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होगा, गेम होगा, इसको हम लोग 3D एनवायरमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईओटी लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक्स। ठीक है, तो क्या इसका एडवांटेज हमारा, तो होता है फ्लाइट ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो आंसर रहेगा सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईओटी एप्लीकेशन इन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में बात कर रहे हैं तो क्या इसका एडवांटेज होने वाला है, वो था आपका एंटरटेनमेंट में आएगा आपका, 31 नंबर का क्वेश्चन है। तो एंटरटेनमेंट में क्या होगा आपका, जब भी हम लोग ऑनलाइन जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है वो सब क्या होता है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जो भी हम लोग करते हैं, तो वो आपका क्या आएगा यहाँ पे, एग्जाम्पल होगा आईओटी एप्लीकेशन का एंटरटेनमेंट में। नेक्स्ट है हमारा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईओटी एप्लीकेशन इन सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी की बात करें तो क्या होगा, फिजिकल सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड एक्सेस कंट्रोल, मतलब हम लोग उसको देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं आजकल लॉकिंग वगैरह सिस्टम होते हैं वो कहलाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईओटी एप्लीकेशन इन इंश्योरेंस। अब बात कर रहे हैं इंश्योरेंस में, तो इंश्योरेंस में क्या आपका इसमें रहेगा, 33 नंबर का क्वेश्चन है, तो 33 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो वो आएगा आपका ऑटोमेटेड क्लेम प्रोसेसिंग सिस्टम, जो कि आप लोग देखते हैं सारे काम आजकल इंश्योरेंस वगैरह के भी ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाना, या बहुत सारी चीजों का अपने आप पता चल जाना और नोटिफिकेशन आ जाना, ये सब चीजें इसमें एग्जाम्पल कहलाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईओटी एप्लीकेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। अब बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में इसका क्या फायदा है, तो मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका स्मार्ट फैक्ट्री ऑटोमेटेड सिस्टम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईओटी एप्लीकेशन इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा इसमें आपका, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, ये इसका यहाँ पे एडवांटेज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की टेक्नोलॉजी कंपोनेंट ऑफ एन आईओटी, बताइए जरा इसमें कौन नहीं है, तो वर्चुअल रियलिटी यहाँ पर आएगा, बाकी क्लाउड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वायरलेस ये सब तो सबसे ज्यादा हमारे की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है ये वाली तुम्हारी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज इन आईओटी। अब देखिए वाईफाई का भी यूज होगा, ब्लूटूथ का भी होता है, जिगबी का भी होता है, तीनों ही टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज है हमारी ये जो प्रोटोकॉल्स होती है, तो आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की चैलेंज। ठीक है, यहाँ पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की चैलेंज इन इंप्लीमेंटिंग आईओटी सिस्टम, तो सबसे ज्यादा की चैलेंज क्या है इसमें, तो वो है लेक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, कमियां होना इसका सबसे बड़ा चेंज है, चैलेंज है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग आईओटी सिस्टम इन बिजनेस, बताइए जरा बिजनेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो क्या होता है बिजनेस में, एनहांस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है, इसका बढ़ाना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन यूज केस ऑफ एज कंप्यूटिंग इन आईओटी सिस्टम, तो बताइए जरा एज कंप्यूटिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो होता है हमारा रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, तो ये हमारा इसमें कहलाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफ आईओटी सिस्टम,
बताइए जरा इसका आंसर आपका क्या आने वाला है। तो वो होता है रिलायंस ऑन एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर। तो आंसर रहेगा रिलायंस ऑन एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर हम लोग इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब चैनल पे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, मैराथन में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा रहे हैं, नेक्स्ट मैराथन में कुछ अलग से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो कि आप लोग के आएंगे। तो ये दो तीन मैराथन जो हम अपलोड करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट होम एप्लीकेशन ऑफ IoT। ठीक है, तो स्मार्ट होम एप्लीकेशन ऑफ IoT में क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, आंसर आएगा होम सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस सिस्टम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट सिटी एप्लीकेशन ऑफ IoT। तो वो आपका क्या होगा यहाँ पे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ट्रैकिंग एंड शेड्यूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल प्राइवेसी कंसर्न विद द यूज ऑफ IoT सिस्टम। तो क्या होता है इसमें आपका, तो अनऑथोराइज एक्सेस टू पर्सनल डेटा। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वियरेबल टेक्नोलॉजी डिवाइस। बताइए जरा, पहनने वाले डिवाइस से रिलेटेड बात हो रही थी, क्या होता है, फिटनेस ट्रैकर। नेक्स्ट पूछ रहे हैं IRC इज एन एब्रीवेशन फॉर, कुल मिला के IRC का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं जो कि होता है इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल इज प्रेजेंट इन द, जो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होती है कहाँ प्रेजेंट होती है आपकी, होस्ट पे। नेक्स्ट है, द डैश फिल्टरिंग सिक्योरिटी मेजर ऑन वेरियस वायरलेस नेटवर्क। तो क्या होता है इसमें, IP होगा आपका, OUI होगा, MAC होगा, तो आंसर क्या रहेगा, MAC MAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द XMPP इंप्लीमेंटेशन यूटिलाइजेस, क्या यूटिलाइज करता है हमारा, पोलिंग को यूटिलाइज करता है, आंसर आएगा पोलिंग, बिल्कुल सही। वन मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 50 नंबर का क्वेश्चन है, XMPP यूजेस द आर्किटेक्चर, XMPP है कौन सा आर्किटेक्चर यूज करता है, डिसेंट्रलाइज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर से ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, वन मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द लास्ट स्टेप ऑफ रिलायबल डेटा ट्रांसफर। बताइए जरा, लास्ट स्टेप यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो जो लास्ट स्टेप होगा इसमें हमारा वो होता है सिलेक्टिव रिकवरी। ठीक है, तो यहाँ का जो लास्ट स्टेप होता है सिलेक्टिव रिकवरी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, द टर्म IoT वॉज कॉइंड, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो उसका आंसर क्या है आपका, 1999। ठीक है, IoT का जो टर्म कॉइन किया गया था उस टाइम पे कॉइन हुआ था। नेक्स्ट है, IoT स्टैंड्स फॉर, पूछ रहे हैं IoT का फुल फॉर्म, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी लोगों को आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, और एक और आ जाए IIoT, तो उसमें आता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ IoT प्लेटफॉर्म, इनमें से कौन IoT का प्लेटफॉर्म नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट Azure भी है, AWS है, Salesforce है, फ्लिपकार्ट क्या है, एक ऑनलाइन साइट है, शॉपिंग साइट। नेक्स्ट जिसकी मैं बात कर रहा था वो क्वेश्चन भी आ गया, IIoT का स्टैंड फॉर, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो पता ही है, जो पहला वाला आई होता है उसका होता है इंडस्ट्रियल, तो आंसर आएगा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट है, व्हाट रोल ऑफ द क्लाउड इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर, स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में क्लाउड का रोल क्या होता है, तो वो जो रोल होता है वो होता है डेटा को मैनेज करना, मतलब मैनेज डेटा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ IoT सिस्टम, तो क्या नहीं है, सेंसर होता है, यूजर इंटरफेस होता है, ट्रांसफॉर्मर इसका कोई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट है, टोटल एलिमेंट इन ओपन IoT आर्किटेक्चर, ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं, 7, तो आंसर आएगा आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग लेयर आइडेंटिफाई द वन ऑफ द विच इज नॉट फॉर वायरलेस कनेक्टिंग इन IoT डिवाइसेस, तो बताइए जरा क्या रहेगा यहाँ पे, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, डेटा लिंक, ये रहेगा आपका आंसर, डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड, ठीक है, तो क्या प्रोवाइड कराता है आपको, सिक्योरिटी विद हार्डवेयर, प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, डेटा स्टोरेज, आंसर रहेगा आपका डेटा स्टोरेज, बिल्कुल जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, तो आंसर रहेगा प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, थ्रू विच नेटवर्क डज ओपन IoT मैनेज रजिस्ट्रेशन डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंसर, तो बताइए जरा किसके द्वारा, तो ये आपका क्या होता है, XGN के द्वारा हम लोग ये करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं जिसके यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आइडेंटिफाई द जावा एक्सटेंशन फाइल इन IoT, IoT में जावा एक्सटेंशन फाइल की बात कर रहे हैं, तो वो होती है आपकी जार फाइल, तो डॉट जार फाइल याद रखना, ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल यूज टू लिंक ऑल डिवाइसेस इन IoT, कौन सी प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं, TCP/IP।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सर्विस विच परमिट द चेंजेस ऑफ आईओटी सर्विस। तो पता ही है ना कौन सी सर्विस होती है, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, अपडेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल टाइप ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन इन आईओटी एनवायरमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने टाइप के होते हैं हमारे टोटल, टोटल हमारे होते हैं 3 टाइप्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीएस फुल फॉर्म। आईटीएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आईटीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ओके, तो आंसर रहेगा, 1 मिनट, काफी हाईलाइट हो गया, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ अ मॉनिटर द एप्लीकेशन। तो कौन अलाउ करता है ये हमारा, वो हमारा एंड पॉइंट्स अलाउ करते हैं, तो आंसर रहेगा एंड पॉइंट्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इन रेजोल्यूशन एक्सप्रेस। बताइए रेजोल्यूशन को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, बिट्स में, तो आंसर रहेगा बिट्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पूछ रहे हैं एसएलए का फुल फॉर्म, एसएलए स्टैंड्स फॉर, ठीक है, तो जो एसएलए का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, सर्विस लेवल आर्गुमेंट। आंसर आएगा सर्विस लेवल आर्गुमेंट, बिल्कुल सही। द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ मैक एड्रेस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी होती है स्टैंडर्ड लेंथ, 48 बिट्स। नेक्स्ट है, थ्रू एपीआई सर्विस पोर्टेबिलिटी इज इनेबल्ड। ठीक है, तो कैसे होता है वो हमारा, नेटवर्क के द्वारा, सर्विस के द्वारा, डिवाइस के द्वारा, सिस्टम्स के द्वारा। तो आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पे, सिस्टम्स के द्वारा यहाँ पे होता है, तो आंसर रहेगा सिस्टम्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द चैलेंजेस कमिंग अंडर सिक्योरिटी सिक्योरिंग द इंफॉर्मेशन। तो वो क्या होगा आपका, प्रेजेंस डिटेक्शन। ठीक है, आंसर रहेगा प्रेजेंस डिटेक्शन। नेक्स्ट है, टोटल टाइप इन विच आईओटी प्लेटफॉर्म इज यूज। तो क्या होगा आपका, 4 टाइप। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं लर्न करने वाले होते हैं, ठीक है, तो आप लोग इनको लर्न जरूर कर लीजिएगा। बाकी आप पीडीएफ परचेस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एसबीसी। एसबीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो कि होता है आपका स्मार्ट बिजनेस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइंड द टर्म आईओटी। ये भी अलग क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो केविन एस्टन को जाना जाता है इसके लिए। ठीक है, तो आंसर रहेगा केविन एस्टन। नीचे लिखा है ग्यूडो वैन रॉसम, ये कौन है, जिन्होंने पाइथन को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लैंग्वेज प्रिफर्ड फॉर आईओटी। आईओटी के लिए कौन सी लैंग्वेज प्रिफर्ड की गई है, तो जो आईओटी के लिए लैंग्वेज है वो क्या है, सबसे ज्यादा पाइथन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विसेज एस टर्म एस एसओए। एसओए हमारी कैसी सर्विस होती है, तो हमारी क्या है, बिजनेस सर्विस। आंसर रहेगा बिजनेस सर्विस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट एडवांटेज ऑफ आईओटी। इनकरेक्ट एडवांटेज की बात कर रहे हैं, तो देखिए सिक्योरिटी पहले ही वाला हो गया, जो कि एक इनकरेक्ट एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑपरेट द कोर एलिमेंट। ठीक है, कौन ऑपरेट करता है कोर एलिमेंट का, तो वो होता है आईएसपी, सॉरी आईएसपी नहीं, आईओटी सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आईओटी एसपी बोल सकते हैं, आईओटी सर्विस प्रोवाइडर ही करेंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं वीएनसी का फुल फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है आपका वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग। तो आंसर रहेगा वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट और थिंग्स एम्बेडेड विद द इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर। तो क्या होता है हमारा, आईओटी। आंसर क्या रहेगा, आईओटी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आरएफआईडी इज अ पार्ट ऑफ आईओटी। क्या आरएफआईडी आईओटी का पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है। आरएफआईडी का एक टेक्नोलॉजी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही आ गया है, तो आरएफआईडी का फुल फॉर्म जो कि होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन वर्किंग ऑफ आईओटी। बताइए जरा इनमें से कौन इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे देखा जाए तो आरएफआईडी, सेंसर, नैनो टैग या सर्वर। तो सर्वर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट है, मेकिंग द स्मॉलर एंड द स्मॉलर थिंग हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट एंड इंटरेक्ट, वो क्या कहलाता है हमारा, नैनो टैग। आंसर रहेगा नैनो टैग, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, वाईफाई स्टैंड्स फॉर। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, तो वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है हमारा डायग्नोस्टिक सर्विस फॉर कार। तो वो क्या होते हैं, ऑटोबॉट। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, ऑटोबॉट हमारे कहलाते हैं। तो आंसर रहेगा यहाँ पे ऑटोबॉट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द फादर ऑफ आईओटी। ठीक है, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आया है, फादर ऑफ आईओटी, जिसको अपन क्विन भी बोला था, अभी ऐसे भी आए थे, तो कौन होते, केविन एस्टन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्ट एरो कम्युनिकेट एरो। अब बीच में क्या आएगा पूछ रहे हैं, एक्ट के पहले, तो उसको बोलते हैं ना एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइमेंटेनियसली। ठीक है, साइमेंटेनियसली क्या बोलेंगे इसको अपन लोग, कौन सी प्रोसेसिंग होती है हमारी, पैरेलल प्रोसेसिंग। तो आंसर आएगा पैरेलल प्रोसेसिंग, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओपन आईओटी आर्किटेक्चर। तो ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में कितने होते हैं हमारे, 7। तो आंसर आएगा आपका 7 एलिमेंट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे इन विच एन आईओटी डिवाइस एसोसिएटेड विथ डेटा।
वो कौन सा रहता है हमारे यहाँ पे, नेटवर्क के द्वारा एसोसिएट होता है, तो आंसर रहेगा नेटवर्क, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईओटी नेटवर्क इज वेरी शॉर्ट रेंज। ठीक है, शॉर्ट रेंज के लिए कौन सा नेटवर्क जाना जाता है, शॉर्ट रेंज वायरलेस, तो आंसर रहेगा इसका आपका शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलडब्ल्यू वैन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका फुल फॉर्म होता है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, तो आंसर रहेगा लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, एन आईओटी नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेज। जो आईओटी नेटवर्क है, कलेक्शन ऑफ डिवाइसेज, कैसे डिवाइसेज का कलेक्शन है, इंटरकनेक्टेड, तो आंसर रहेगा इंटरकनेक्टेड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी डिवाइसेज, इनमें से कौन आईओटी डिवाइस नहीं है, 96 नंबर। तो देखिए, ये भी हमारा होता है वॉइस कंट्रोलर, गूगल होम भी है, नेक्स्ट स्मॉल अलार्म है, तो आंसर रहेगा नन ऑफ दिस, क्योंकि सभी क्या होते हैं आईओटी डिवाइसेस के हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ व्हाट इन आईओटी, व्हाट मतलब वे ऑफ थिंग, का मेन पर्पस क्या होता है, तो इसका जो मेन पर्पस कहलाता है वो होता है आपका इम्प्रूव द यूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, ये इसका मेन पर्पस होता है, तो आंसर रहेगा हमारा ये, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, व्हाट इज आर्डिनो यूनो, तो आर्डिनो यूनो क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अलाउ द यूजर टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ये हमारा कौन अलाउ करता है, तो जो अलाउ करेगा वो कराएगा आरईटी फुल। ठीक है, रेड फुल एपीआई हमारा अलाउ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी, नॉट एन आईओटी एप्लीकेशन, इनमें से कौन एक आईओटी एप्लीकेशन नहीं है, वियरेबल होता ही है, स्मार्ट ग्रिड होता ही है, आर्डिनो क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। ओके, तो 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। आई होप आप लोग क्लास में मजा आ रहा होगा, तो जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, लाइक करके सब्सक्राइब भी जरूर करना है। चलिए, तो फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बफर ओवर अ रन कुड बी रिड्यूस यूजिंग। ठीक है, तो कुड बी रिड्यूस यूजिंग, कैसे हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस करेंगे हम लोग किसके द्वारा, फ्लो कंट्रोल के द्वारा, तो आंसर रहेगा फ्लो कंट्रोल, बिल्कुल सही, तो आंसर रहेगा फ्लो कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मे भी थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा इसमें छोटा मिल रहा है, 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। नेक्स्ट है, मैक एड्रेस इन यूज इन द फॉर्म ऑफ, जो मैक एड्रेस है किस फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, तो मैक एड्रेस को हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क एड्रेस के फॉर्म में, तो आंसर रहेगा नेटवर्क एड्रेस। नेक्स्ट है, व्हाट इज ट्रू अबाउट आर्डिनो कोड, आर्डिनो कोड के लिए कौन सी बात है बिल्कुल सही है, तो सेटअप फंक्शन होता ही है आपका, ठीक है, स्टार्टअप फंक्शन होता है, लूप एग्जीक्यूट रिपीटेडली, ये भी सही है, ऑल्सो नोन एज स्केच, ये भी सही है, तो आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट आर्डिनो डॉट एच, आर्डिनो डॉट एच के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पहला लिखा एवीआर ड्यूट सॉफ्टवेयर अपलोड द हेक्स फाइल, ये भी सही है, गिव्स द एक्सेस ऑफ द आर्डिनो, ये भी सही है, इंक्लूड आर्डिनो डॉट एस, मतलब सभी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम, यहाँ स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं फीडबैक विद द अननोन एक्शन रैंडम, ये भी सही है, पॉजिटिव फीडबैक विद अननोन, ये भी सही है, इसमें नेगेटिव फीडबैक विद अननोन रैंडम, ये भी सही है, तो सारे आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसका भी आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कीवर्ड प्रोग्रामिंग इज वेरिएबल मॉडिफायर यूटिलिटी विच हेडर फाइल कंटेन, ये कौन सी हेडर फाइल इसको कंटेन करता है, तो पीजीएम स्पेस डॉट एड इसको कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आईओटी डिवाइस मे नीड इंटरफेस फॉर सेंसर, इसके अंदर लिखा है ऑडियो वीडियो इंटरकनेक्टिविटी या ऑल ऑफ दीज, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर आप लोगों को क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल सही आंसर है, ऑल ऑफ दीज, आईओटी में ज्यादातर आंसर आप लोगों को ऑल ऑफ दीज देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है, डिफरेंस इन द ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम आर बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड होता है ये हमारा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो अपना डिफरेंस होता है किस पे बेस्ड होगा हमारा, 8 नंबर पे, तो फीडबैक पे होगा, स्टेबिलिटी पे होगा, कॉम्प्लेक्सिटी पे होगा, तो ये क्या रहेगा, ऑल ऑफ दिस, सभी पे बेस्ड होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जरा, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द वे वी ड्रेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन, जो हम लोग ड्रेस वगैरह का एग्जाम्पल बोल रहे हैं, तो हमारा किस तरह की कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, जो हम कपड़े पहनते हैं वो हमारा नॉन वर्बल का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट है, द आईओटी सपोर्ट, आईओटी हमारा क्या सपोर्ट करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स, तो आप समझ गए होंगे सभी को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर आएगा ये सभी। नेक्स्ट है, MQTT 135 सेंसर इज, ये हमारा जो MQTT 135 सेंसर है क्या है, AI डिटेक्टर है, गैस सेंसर है, या फिर यहाँ पे मॉनिटर एयर पॉल्यूशन है, या BNC, तो आंसर क्या है, BNC, एक तो ये हमारा गैस सेंसर है, दूसरा प्रदूषण, दूसरा क्या है, मॉनिटर एयर पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन सी प्रोग्रामिंग, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, जब हम इसको एग्जीक्यूट करने की बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पहले तो यहीं से गलती हो गई, तो कंपाइलर एरर आ जाए, क्योंकि यहाँ एरे हम लोग इस तरह से डिक्लेयर नहीं करते।
इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट कम्युनिकेट अबाउट एंड प्रेडिक्ट अबाउट टॉक, बताइए एक सेंटेंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो क्या होता है सेंटेंस सब्जेक्ट, कौन सा रहेगा सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमिडिटी सेंसर रिलेटेड टू, जो ह्यूमिडिटी सेंसर है वो किससे रिलेटेड है, एक तो DHT11, हाइग्रोमीटर, पार्ट पर और या ऑल ऑफ दिस, तो आंसर क्या रहेगा ऑल ऑफ दिस, इन सभी से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन विद ऑन सेल्फ वन सेल्फ इज कॉल्ड, ठीक है अपने आप से बात करना क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा इंट्रा पर्सनल यहाँ पर कहलाता है, ठीक है तो आंसर रहेगा इंट्रा पर्सनल बिल्कुल सही। नेक्स्ट है LCD डिस्प्ले द टेक्स्ट फ्रॉम द डेटा व्हेन EL लाइन शो एंड RS लाइन व्हाट, तो 16 नंबर का क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा यहाँ पे आपका 16 नंबर में 120 ट्रांजिशन एंड हाई, तो आंसर रहेगा आपका 120 ट्रांजिशन एंड हाई बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्डिनो कैन बी प्रोग्राम्ड यूजिंग द फॉलोइंग लैंग्वेज, जो आर्डिनो हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक पाइथन के द्वारा और दूसरा आपका C++ के द्वारा, तो पाइथन एंड C++। नेक्स्ट है विच मैक्रो कन्फर्म हेलो वर्ल्ड, मतलब किसके द्वारा हम लोग यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं, तो जो हमारे पास जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट, तो सीरियल डॉट प्रिंट इसके द्वारा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, तो आंसर रहेगा ये बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है IoT प्रोटोकॉल डज नॉट इंक्लूड, जो IoT प्रोटोकॉल इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, नेटवर्किंग लेयर, लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर और सेशन लेयर, तो आंसर क्या रहेगा सेशन लेयर, तो आंसर रहेगा वो सेशन लेयर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है डिफरेंस इन इफ एल्स एंड स्विच केस, तो डिफरेंस पूछना है इसमें क्या डिफरेंस रहेगा इसमें हमारा, तो स्विच केस और इसमें डिफरेंस होता है वो होता है मल्टीपल स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड फॉर न्यूमेरियस डिसीजन इनसाइड इनसाइड इफ एल्स, ठीक है तो आंसर रहेगा हमारा 20 नंबर का बिल्कुल सही। नेक्स्ट आइए 21 पे स्केचेस इन आर्डिनो आर सेव्ड विद द एक्सटेंशन, किस एक्सटेंशन से हम लोग यहाँ पर सेव करते हैं, तो जो हम लोग सेव करेंगे वो करेंगे यहाँ पे .ino से, ठीक है तो अभी बीच में आप लोगों को बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, काफी इंपॉर्टेंट एक जानकारी देने वाला हूँ आप लोगों को, आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड और MCQ आप लोगों को कहाँ से मिलने वाले हैं फ्री में, क्योंकि कुछ जगह पे मैंने बता दिया है अपलोड हो गए हैं, कैसे आप लोगों को मिलेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। नेक्स्ट है IoT डिवाइस कनेक्टेड विद अदर इंटरफेस यूजिंग कनेक्शन विच आर, तो कैसे कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, वायर्ड भी कर सकते हैं वायरलेस भी कर सकते हैं। वॉट इज WOT एंड इट्स यूजेस इन IoT, बताइए जरा क्या होता है इसमें हमारा, तो इसमें हमारा होता है वेब ऑफ थिंग्स एंड इंटर ऑपरेबिलिटी, ठीक है ये कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज एज एन एविडेंट इन लीगल केसेस, तो कौन से डॉक्यूमेंट का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो वो होता है नोटिस जिसका हम लोग यूज करते हैं, तो आंसर लिखिएगा नोटिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉल विच वन इज द माइक्रो कंट्रोलर इन एम्बेडेड सिस्टम, बताइए जरा एम्बेडेड सिस्टम में कौन सा हम लोग यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा 8086। नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज फॉर IoT, IoT में कौन सी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज होती है, ब्लूटूथ, जिगबी, 5 मैक, WiMAX, आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीस। नेक्स्ट है व्हाट इज द ट्रू अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग द सीरियल TTL सिग्नल, तो कौन सी बात इसमें बिल्कुल सही है, तो एक तो होता है एटलीस्ट वन सीरियल पोर्ट इज देयर होना चाहिए, कम्युनिकेशन ऑन डिजिटल इनपुट 0RX1 ये भी होना चाहिए, UART और UCRT बिल्कुल होना चाहिए, तो आंसर क्या रहेगा ऑल ऑफ दीस बिल्कुल सही। नेक्स्ट है व्हाट इज ESP8266 यूज इन IoT, अब ये पूछ रहा है ये हमारा क्या होता है IoT में, तो 28 नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारा कहलाता है इसमें लो कॉस्ट वाईफाई मॉड्यूल कहलाता है हमारा, तो आंसर रहेगा लो कॉस्ट वाईफाई मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का है, लिखा हुआ है देखिए जरा द स्पीड ऑफ DC मोटर इज कंट्रोल्ड बाय आर्डिनो यूजिंग, कैसे हम लोग DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, तो हम लोग कंट्रोल करते हैं PWM पिन से, तो आंसर रहेगा PWM। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट एम्बेडेड इन देम, रैम, मेमोरी, रोम, तो आंसर क्या रहेगा नन ऑफ दीस। नेक्स्ट है विच फीचर डिफाइन IoT, बताइए जरा कौन सा फीचर यहाँ पर IoT को डिफाइन करता है, लोकल एरिया नेटवर्क डिफाइन करेगा या नॉन चेंजिंग कंडीशन, सेल्फ कॉन्फिगर, तो आंसर रहेगा नॉन इंटरऑपरेबल प्रोटोकॉल डिफाइन करेगा, तो डी बिल्कुल सही रहेगा। ओके तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं 32 नंबर पे, कॉन्स्टेंट वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एज, कॉन्स्टेंट वेरिएबल को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल की यहाँ पे बात कर रहे हैं उसको हम लोग डिफाइन करेंगे हैश डिफाइन नंबर, इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है IoT प्रमोट द क्रिएशन ऑफ IoT टर्मिनल इंडस्ट्री, नेटवर्क, IoT, क्लस्टर या थिंग, तो आंसर क्या रहेगा क्लस्टर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं रीडिंग इज द पार्ट, रीडिंग इज एन आर्ट ऑफ ब्रिंग इन नॉलेज, इट इज बेसिकली, ये बेसिकली क्या होता है हमारा यहाँ पे डिकोड्स कहलाता है, तो आंसर रहेगा डिकोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ द मेटा कम्युनिकेशन दैट डील्स
विथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो नोन एज, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वोकैलिक। ठीक है, आंसर रहेगा वोकैलिक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रो कंट्रोलर एक्सटर्नल एक्सिस आर यूज फॉर, किसका हम लोग इसमें यूज करेंगे एक्सटर्नल के लिए, पावर सप्लाई के लिए, मेमोरी इंटरफेसिंग के लिए, पेरिफेरल के लिए, तो आंसर क्या रहेगा इसमें हमारा, मेमोरी इंटरफेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड पिंस व्हाइल इंटरफेसिंग कैन कॉज इंटरप्ट कॉल्ड, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, टाइमर कहलाएगा या एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट, तो आंसर रहेगा एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ स्प्रिंग इन अ कंट्रोल वाल्व, तो इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है अपोज द डायफ्राम टू एंड टू पोजिशन द वाल्व अकॉर्डिंग टू द सिग्नल प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 39 नंबर का क्वेश्चन है, जिस पे लिखा है आईओटी डिवाइस आर थ्रेड्स वल्नरेबल टू अटैक एंड वन ऑफ देम इज क्रिप्टो एनालिसिस अटैक डैम्प मींस, इसका मतलब क्या होता है पूछा जा रहा है, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है आप लोगों का यहाँ पे आईओटी डिवाइस इज दिस, तो यहाँ पर होता है फाइंड द साइफर टेक्स्ट, ठीक है, साइफर टेक्स्ट बोलते हैं हम लोग, फाइंड द साइफर टेक्स्ट टू ब्रेक द इंक्रिप्शन, ये आपका इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फोर्थ एलिमेंट ऑफ द एरे, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्थ एलिमेंट के लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तो ये भी क्या होता है इंडेक्स वाइज चलता है, तो जो थ्री होगा वो क्या होगा यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट को यहाँ पे बताएगा, तो पीजी और यहाँ पे थ्री, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होगा तो जीरो वन टू थ्री आपका यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट की यहाँ पे बात चल रही है। नेक्स्ट है द इंड्योरिंग फीचर दैट डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है, एजुकेशन कहलाएगा, पर्सनैलिटी ट्रेट्स कहलाएगा, फाइनेंस कहलाएगा, तो क्या आएगा आपका एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑन विच ओ एस आई एंड टीसीपी आईपी डिफर्स, तो बताइए जरा यहाँ पर क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रहे हैं जैसे कि ओ एस आई मॉडल इंडिपेंडेंट जर्नल प्रोटोकॉल इन ओ एस आई मॉडल लेयर गारंटी, ठीक है, फिर दे रहा है टीसीपी आईपी कंसिस्ट 7 लेयर, और फिर जो नेक्स्ट आ रहा हमारा लिखा हुआ है ये तो हमारा डी नंबर का हो गया, और सी वाला बोल रहा है ए और बी, तो ए वाला आप देख रहे हैं ओएसआई मॉडल गारंटी दैट द डिलीवर ऑफ ओएसआई, बिल्कुल सही है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 42 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, नेक्स्ट आते हैं 43 नंबर पे, द फ्यूचर ऑफ आईओटी ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस क्रिटिकल इंटरेक्शन डिवाइस डायरेक्ट ह्यूमन, ठीक है, भविष्य में आईओटी ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रत्यक्ष मानव के संपर्क के बिना ही उपकरणों के महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पर व्यापार इंटरेक्शन के लिए आधारित है, तो कौन आधारित है हमारा इसमें, ब्लॉकचेन, आंसर आएगा ब्लॉकचेन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट मेन कंपोनेंट ऑफ आईओटी बेस्ड सिस्टम्स आर, आईओटी बेस्ड सिस्टम का मेन कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो देखिए सेंसर भी मेन है, एक्चुएटर भी है, माइक्रो कंट्रोलर भी है, तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हाउ मेनी पीडब्ल्यू एम पिन्स डज द आर्डिनो यूनो हैव, आर्डिनो यूनो में कितनी पीडब्ल्यू एम पिन होती है, तो वो हमारी जो पिन्स होती है वो होती है आपकी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑप्टीबूट बूट लोडर इन आर्डिनो आईडी, आर्डिनो आईडी में ऑप्टीबूट बूट लोडर कौन सा होता है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो डिफॉल्ट बूट लोडर भी होता है और 80 मेगा भी होता है, तो आंसर आएगा आपका बोथ ए एंड बी, बिल्कुल सही, डिफॉल्ट भी है और 80 मेगा भी आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ फंक्शन एरे इज पास्ड बाय, फंक्शन में एरे को हम लोग कैसे पास करेंगे, तो ये हमारा रेफरेंस होता है, रेफरेंस वेरिएबल होता है, तो क्या होता है कॉल बाय रेफरेंस के द्वारा हम लोग पास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंग्वेज ऑफ द मेमोस शुड बी एंड अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, कैसी होना चाहिए मेमोस की जो लैंग्वेज यहाँ पे होगी वो कैसी होनी चाहिए, एक तो आपकी स्पष्ट और आसान होना चाहिए, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लूसिड एंड इजी, ठीक है, लूसिड एंड इजी इसको हम लोग बोलेंगे। ओके, तो आंसर रहेगा आपका सी। ओके, नेक्स्ट है एन एरे इंडेक्स दिस इज स्टार्ट विद, ऑलरेडी मैंने अभी बताया था एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, जीरो से स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, जीरो, बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, तो जैसे कि हम लोग अपने मैराथन के अंतिम दौर में है, बस हमारा एक क्वेश्चन और ही रह गया है, और बाकी अगर आप लोग इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं, आई आप लोगों ने पार्ट वन देख लिया, अगर आप लोग इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो जल्दी से हमें कमेंट करिए, यस सर हमें सेकंड पार्ट चाहिए, तो आप लोगों को अभी जैसे आप लोग कॉमेंट आते हैं तो फिर आप लोगों के लिए हम इसका सेकंड पार्ट भी तैयार कर देंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, तो अभी हम लोग देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आईआर सेंसर आर यूज्ड इन, जो आईआर सेंसर होता है इसका यूज्ड क्या होता है लास्ट में, तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। ओके, तो 150 क्वेश्चंस हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए सेकंड पार्ट के लिए, तो हम आप लोग के लिए सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं आप लोग की, जिसकी मैं बात कर रहा था, तो आप लोग के एमसीक्यू की, तो हमारी वेबसाइट है जैसे कि careersknowledge.in। ओके, कुछ लोगों को पता है, जो लोग चैनल पर नए हैं उनको नहीं पता है, तो आप देखिए कल ही हमारी वेबसाइट पर आप लोग के लिए एमसीक्यूज अपलोड हो गए हैं, देखिए जरा यहाँ आप देख पा रहे हैं,
ये मॉडल पेपर हमने आप लोग के लिए अपलोड कर दिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ आपको स्क्रॉल कर देना है, ये देखिए जरा सारे क्वेश्चंस हमने आप लोग के लिए अपलोड कर दिए हैं। देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ बिग डेटा इन स्मार्ट ग्रिड, स्टोर डेटा, व्हाट इज द रियल एग्जांपल ऑफ स्मार्ट ग्रिड, आईओटी, स्मार्ट मीटर। तो ये सब आप लोग कॉपी पेस्ट करके अपने सिस्टम में रख के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सब कुछ हमने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। ओके, बाकी 600 प्लस एमसीक्यू अगर आपको परचेस करना है तो जल्दी से परचेस कर लीजिए, 600 प्लस एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या करना है, और बहुत ही शानदार 80% ऑफ के साथ आपको मिल रहा है। बाकी आपको आईओटी पे क्लिक कर देना है, ओ लेवल वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे आईओटी को और भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितना भी कंटेंट है वो लेवल का वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, जो लोग भी चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग क्या कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पर आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे यूट्यूब पर आए, यहाँ पर हमने क्या किया, आप लोग जैसे ऑलरेडी वॉच कर रहे हैं वीडियो को, तो आपको क्या करना है, बस चैनल पर क्लिक कर दीजिए हमारे। जैसे आप चैनल पर क्लिक करेंगे, ये वाली वीडियो हमने अपलोड की थी आज मॉर्निंग में, ठीक है। तो जो भी ओ लेवल के और कॉलेज के एग्जाम साथ में पढ़ रहे हैं उनको क्या करना है, वीडियो हमने अपलोड किया, जरूर देख लीजिए। यहाँ पर हम ओ लेवल गुरुजी पे करते हैं क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, इस प्लेलिस्ट पे आ जाइए। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आप लोग को मिल जाएंगे M4 के MCQs, प्रीवियस ईयर के भी मिल जाएंगे। ये रहे ओ लेवल M4 Alpha MCQs जनवरी 2024, यहाँ मिल जाएंगे। पाइथन के 3000 से भी अधिक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, तो आप लोग यहाँ से ये क्वेश्चंस की तैयारी कर लीजिए। साथ ही साथ वेबसाइट की जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ आप स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए IoT का पार्ट 2 पार्ट 1 के हिसाब से MCQs आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। ओके, तो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग पार्ट 2 चाहिए तो आप जल्दी से हमें कॉमेंट करिए, देखिए सारे क्वेश्चन अपलोड है आप लोगों के, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।